टिकट 100 रुपए है, स्टूडेंट लोगों के लिए आईडी दिखाकर स्कूल कॉलेज के आईडी दिखाकर 50 रुपीज़ है, और बच्चों के लिए भी 50 रुपीज़ है। इसका उद्घाटन 9 मई 2013 में यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। और सबसे बड़ी बात कि यह बहुत बड़ा बना हुआ है, इसको बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह भी है और बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है, और इसमें एक एसी ऑडिटोरियम भी है जिसके अंदर बिहार के बारे में 15 मिनट के अंदर जानकारी दी जाती है, जो 100 रुपए के में ही इंक्लूड है। यह देखिए, ये एसी हॉल है, और जो बाहर टिकट ली जाती है 100 रुपए की, उसी टिकट में यहाँ पर होता है, और उसी में इसका टाइम अलग अलग होता है। 12 बजे होता है सो, फिर 2 बजे होता है सो, फिर 4 बजे होता है, और बिहार के बारे में, उसके इतिहास के बारे में यहाँ सब कुछ बताया जाता है। टेराकोटा के बने हुए बर्तन, बुद्ध के जन्म का यह आयताकार पैनल है जिसमें बुद्ध के जन्म और 7 कदमों के अनुक्रमिक विषयों को मिलाकर उकेरा गया है। गंधार कला में बुद्ध और उपासक, यह गंधार कला में बुद्ध और उपासक प्रदर्शित, यह भी वही है। बुद्ध धर्म प्रवर्तन मुद्रा में कमलासीन है। बोधिसत्व कुषाण काल, प्रथम शताब्दी, बोधिसत्व की मूर्ति। गंधार कला में बनी हुई मूर्ति बौद्ध धर्म में तारा मुक्ति की जननी है। यह प्रतिमा खरीदावाणी तारा की है, दोहरे कमल पर आसीन है। काले पत्थर से निर्मित बुद्ध प्रतिमा बोधिसत्व ध्यान मुद्रा में विराजमान। बुद्ध की यह सुंदर प्रतिमा स्थानक मुद्रा में, मुकुटधारी बुद्ध प्रतिमा जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया, कमल पर आसीन है। यह मूर्ति कटक उड़ीसा से प्राप्त हुई है, देवी चामुंडा बोधिसत्व की मूर्ति है, कई भुजाओं के साथ दिखाई गई है जो कमल पर आसीन है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर अजितनाथ, यह मौर्य पुरास्थलों से प्राप्त विभिन्न काल की मूर्तियां हैं। स्त्री को सजाने संवारने के लिए आभूषण है,
प्राचीन काल के हैं। मौर्यकालीन मृण पात्र अनाज एवं तरल पदार्थ रखने के लिए होता था। यह अशोक चक्र 24 तीलियों का लकड़ी का बना हुआ है। 24 के समय में मनुष्य के लिए 24 सिद्धांत बनते हैं। ये देखिए पाली भाषा लिखी हुई है। मौर्यकालीन स्तंभ का एक भाग, पुराने जमाने का फोटो। मौर्यकालीन स्तंभ का शीर्ष भाग है जिसमें चार सिर पीठ से सटे हुए बैठे हुए थे। सम्राट अशोक के बराबर पहाड़ी जो अपने भाई के लिए बनवाया था उन्होंने। तृतीय बलुआ पत्थर से निर्मित ब्राह्मी लेख प्रशस्त पात्र बलुआ पत्थर से निर्मित। मिथुन युगल कुषाण काल बुद्ध की फोटो मूर्ति। पार्वती उत्तर गुप्त काल बलुआ पत्थर से निर्मित। उत्तर गुप्त काल 7वीं शताब्दी। अभी लिखित वृत्ताकार प्रशस्त्र पत्र बलुआ पत्थर विष्णुपद जिला बिहार गया। इसमें ज्यादातर चीजें मौर्यकालीन की ही मिल रही हैं। टेराकोटा मिट्टी से निर्मित बर्तन औरतों के आभूषण। अवलोकितेश्वर बुद्ध क्षेत्रीय कला प्रदर्शन बना रहा करेगा। यक्षी की मूर्ति चमक आज भी बरकरार है। ये देखिए बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है।
ये देखिए ऊँट है, कुआँ बनाया हुआ है, ये सब देखिए, ये देखिए ये राजा महाराजा का ये सिंहासन बना दिया है बच्चों के लिए, ये देखिए बच्चों को यहाँ ज़रूर लाया जाए। वाह वाह वाह, ये देखिए ये तो कमाल हो गया भाई, ये तो कमाल हो गया। उधर बुलबुल भी बैठी है, इधर कोयल भी बैठी है। आ हा 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 हा, क्या कमाल की चित्रकारी है, वाह भाई वाह। ये देखिए पटना म्यूज़ियम है, यहाँ पर आके आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। सब देखिए रंग बिरंगे सामान हैं और यहाँ पर आके वाजिब रेट में सामान मिलता है।